पिनाते रुको पिनाते बाबू ये तुम्हें धोती पिनाते रुको। ये तो रास्ता ये थोड़ी बताना था। कितनी प्यारी बातें करते हो। बहुत अच्छी बातें करते हो। नहीं पानी यूज नहीं करना है। नहीं मिलावट नहीं करनी। जिसकी चीज बन रही है वो उसको तो भूल ही गया। चिकन वो तो लाजमी है ना कि टमाटर खाओगे। याद क्यों मांग जुमरा थोड़ा ढोल बजा लो। अच्छा बोल मुझे तो जुमरा थे घर का तो खुद कर रही है। याद नहीं ऐसे करके ऐसे टक 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 ऐसे डाल देना। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ, एंजॉय कर रहे होंगे हमारे व्लॉग। अभी का सीन ऐसा है, हम आए अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ना अपने चैनल के अंदर। दिसंबर के अंदर आया था मेरा खुद का व्लॉग ना, उसके बाद फिर भाई के व्लॉग चल रहे थे, फिर बीच में वो सीन भी ऐसा हुआ था, हमने स्टोरी टाइम लगाया था उसके अंदर। जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी जाकर देखना, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा क्या हुआ था हमारे साथ। उसके बाद आज आ गए काफ़ी टाइम बाद, आज है सैटरडे। हमने अभी लास्ट के अंदर अभी एक और व्लॉग हमने संडे वाले दिन अपलोड किया था, उसके अंदर ही बताया था हम जैसे सैटरडे वाले दिन भाई करते हैं कुकिंग घर की, अम्मी की कुकिंग की होती है छुट्टी तो भाई करते हैं कुकिंग, तो वो ऊपर अभी कुकिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या बना रहे हैं। वैसे आप लोगों को तो पता चलिए हो टाइटल देख कर या थंबनेल देख कर, वो थंबनेल तो उसी का चीज़ का लगेगा जो चीज़ अभी कुकिंग हो रही है। तो फिर बिना लंबी किए चलते हैं फिर ऊपर। कल संडे तो कल पॉडकास्ट आएगा, कल का व्लॉग देखना कल किस टॉपिक पर बात करते हैं हमारे भाई साहब। उसके बाद आते रहेंगे देखते रहेंगे क्या चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर। हम कॉल बैक तो कर गए थोड़ा जी, आ गए अपने चैनल के ऊपर, अब आग लगा देंगे। चले फिर चलो। जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम, आज करेंगे हम कुकिंग चिकन कढ़ाई की, बिल्कुल सिंपल है डेट ठीक है, उसके अंदर कम खर्चा और टेस्ट ऐसा कि पूरे पाकिस्तान को चैलेंज ऐसा टेस्ट ला के दिखाते हैं आप। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अभी करते हैं कुकिंग स्टार्ट और आप देखते जाएं क्या क्या चीज यूज होगी, सस्ती बिल्कुल कम और टाइम भी बिल्कुल कम। ये तकरीबन 30 मिनट में आपकी कढ़ाई तैयार, आपके मेहमान आए कोई भी आए आपको बनानी हो कोई इवेंट वगैरह हो, और सबसे अच्छी कढ़ाई टेस्ट में ठीक है जी। आ जाए सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने डाला इसमें ऑयल, ये सिर्फ इसके 2 स्पून लेने इतने बड़े ना। आप अपने अगर आपकी कढ़ाई अपना चिकन ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, हमारे पास चिकन है कम, ये 1/2 किलो की ठीक है। और इसी वजह से तेल हमने रखा है कम, क्योंकि कम ऑयल में बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अभी करते हैं गरम तेल, गैस माशाल्लाह ये आज ऐसा आ रहा है VIP, वरना गैस की बहुत किल्लत है, सीधी बात है। लाइट भी आ गई है, पहले करेंगे तेल गरम ठीक। बाकी मैं आपको बताऊं, ये मैंने सबसे पहले टमाटर करे इसको कटिंग ठीक है, ये अदरक मैंने कट कर दिए, ये निहारी टाइप में जैसे निहारी वगैरह या पाए वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग, उस तरीके से आपने भी कट करना है। और टमाटर ऐसे करना है कट ठीक है, या जितना बारीक होगा आपके लिए अच्छा होगा ठीक है। ये डालेंगे हम कढ़ाई ठीक है, इसमें डालनी है चिकन ठीक है, फिर ये थोड़ी ब्राउन स्टाइल हो जाएगा। और इसका पानी मैंने ड्राई नहीं किया था, वरना आपने ड्राई करना है ना इसको, पहले मतलब आपके पास डीप फ्रीजर हुई भी हो आपकी चिकन, तो आप उसको ड्राई करने के लिए निकालने के बाद में उसको बिल्कुल अलग अलग हो जाए इसकी बोटियाँ, तो आपने उसको पूरा ड्राई करना है, वरना आपके ये होता है कि ड्राई नहीं करते ना, अक्सर ये होता है कि चिकन की बोटियाँ जो होती है ना वो मतलब आपकी डिश तैयार होने के बाद वो आपकी चिकन खुलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बोटियाँ ऐसे खुलती हैं रेसिप अलग अलग हो जाते हैं स्टार्ट। उसका करेंगे चूल्हा हम कम, ये हो गई थोड़ी वाइट वाइट ना, हाँ ये वाइट करेंगे थोड़ी, उसके बाद डालेंगे हम टमाटर। अच्छा आपने क्या करना है, ब्लैक पेपर लेना है, मतलब जिसको आप काली मिर्चें बोलते हैं, और ये आपने लेना है जीरा ठीक है, और ये सॉल्ट आ जाएगा, नमक, और ये रेड चिल्ली पाउडर मतलब लाल मिर्चें कुटी हुई, आपने दही रखना है। दही मैं डालूंगा थोड़ा कम, ये मेरा डिफ्रीज़र हुआ हुआ है तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, इसको हम थोड़ा पास कर देते हैं कि थोड़ा ये मेल्ट हो जाए। और इसके बाद डालेंगे हम सारे टमाटर इसके अंदर, और मैं आपको दिखाऊँ मैंने इसको पहले से ही कूट ली थी मिर्चें, थोड़ी इसको और बारीक कर लेते हैं। आपने ये फ्रेश फ्रेश लेना है, ये पहले डालेंगे हम, इसमें डाल देते हैं टमाटर सब, अच्छा इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर आप भले इसको कम कट भी कर सकते हैं जल्दी, अगर आपको थोड़ी और जल्दी हो और इसके छोटे छोटे पीसेस करें, क्योंकि हमारे को ये पूरा मेल करना है ना इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर अक्सर ये होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करते हैं लोग, मैं यूज़ नहीं करूँगा,
और अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते, और दही भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, वो आपकी ऐसी विश है। और इसको इस करेंगे हम स्टीम अप, ये थोड़ी स्टाइल के लिए। ये इसके बीच लेना है, ठीक है, ये थोड़ी है हरी मिर्च है कि इसके अंदर टेस्ट आए। कि आपने इसको ऐसे पाउडर कर लेना है ना, ये बिल्कुल काली मिर्च है और ज़ीरा, इसको हाथ से कूटना है। अक्सर ये होता है ये ग्लेंडर कर लेते हैं आप, अगर आउट ऑफ कंट्रीज से हैं तो वहाँ तो ये मेरे ख्याल में कम होती हैं चीज़ें, देसी वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं, हाथ वाली उस वहाँ ग्लेंडर मशीन के लिए आप वहाँ से भी कर सकते हैं, पर ये आपको करना है फ्रेश। एक आता पैकेट में, वो पैकेट में आपने यूज़ नहीं करना, और आपने बिल्कुल फ्रेश करनी है, तो इसकी खुशबू जो है ना वो ही आपको इसके अंदर मज़ा देगी ना, मतलब अलग। अब इसको चेक करते हैं कि कैसी हुए, इसको थोड़ा स्लो करेंगे, ये कंडीशन हुई है, ये इसका पेस्ट करना स्टार्ट हो गया। अच्छा ये आप देख रहे हो कि हरा धनिया थोड़ा थोड़ा आ गया, वो यहाँ से आई है, वो इसमें से आई है डिश में ले। अच्छा इसकी वजह से आना नहीं चाहिए, ये एंड में आना चाहिए, ये थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, तभी डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च, ठीक है जी। ताकि ये भी थोड़ी मेल्ट हो जाए, ठीक है। आप जब भी कुकिंग करें, आपके अगर साफ कपड़े या कुछ भी ऑफिस वगैरह के, तो आप नैपकिन जरूर पहननी है, मेरी पड़ी हुई है तो मैंने यूज़ नहीं की है, क्योंकि गर्मी लग रही है, आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और तो पसीना ही आ रहा है। अरे पहनाते रुको, पहनाते बाबू भैया तुम्हें धोती पहनाते रुको, आ रही है बाबू भैया की धोती। कैसा लग रहा है पहनने के बाद, सही लग रहा है? वो देखी यार फेरी फिल्म बाबू भैया की धोती पर नहीं पहनी है, गर्मी ज्यादा, ये वापसी लटका दो वापसी। ये कंडीशन आ चुकी है, थोड़ी और मेल्ट हो रही है, ये टमाटर थोड़ा और मेल्ट हो जाए ना, पूरा पेस्ट बन जाए टमाटरों का। हाँ ये पेस्ट बन जाएगा ना, इसके बाद हम डालेंगे अदरक, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है मैं आपको क्या बताऊँ, भूख लग रही है, बट निकाल ले मैं प्लेट में निकाल ले भी सही। नहीं नहीं अभी नहीं, ये सारा जो है ना ये सारा स्टीम पे पकेगा, चिकन भी स्टीम में ही पकेगी, और ये टमाटर सारे जो है ना इसी में गलेंगे, तो आपने खाली 15-20 सेकंड बाद इसको चमचा चलाना है, क्योंकि ये चिपके ना किसी बोटियाँ वगैरह या टमाटर वगैरह चिपके नहीं, 15-20 सेकंड बाद इसको चेक करना है कि क्या कंडीशन है आपकी डिश की। ये हमारा दही भी मेल्ट हो गया थोड़ा, स्टीम इसलिए दे रहे हैं ताकि जल्दी गल जाए। नहीं आपने बनाना ही इसी में कढ़ाई के अंदर और स्टीम के अंदर, क्योंकि टेस्ट ही इसी चीज का आएगा ना। यही तो रास्ता, ये थोड़ी बताना था। ये तो रास्ता, ये थोड़ी बताना था। वो कहते हैं कि अगर आपके पास इलम हो या आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आप जितनी दोगे अल्लाह ताला की उसी में बरकत देगा। कितनी प्यारी बातें करते हो, बहुत अच्छी बातें करते हो। ये कंडीशन हो चुकी है, टमाटर थोड़े और मेल्ट हो जाए, असल में पता है 50% हो गई है। हाँ इसमें ये हुआ है कि मैंने टमाटर जो हैं वो थोड़े बड़े काट लिए थे, आपने छोटे ही काट में, तो आपका जल्दी तैयार हो जाएंगी ये चीज़, आपने छोटे यूज़ करने टमाटर, छोटे छोटे पीसीस करने, जितने छोटे होंगे उतनी जल्दी पर जितनी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तड़के वाली आवाज़ आ रही है, साउंड चेक करें खाली, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको ये चिपक जाएगी। अब इसमें डालना है आपने दही, अगर आप दही डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालना। अच्छा भाई कुछ लोग इसके अंदर दही की जगह ना टमाटर जब डालते हैं, दही नहीं डालते, दही डालते हैं टमाटर नहीं डालते, तो ऐसा होता है अक्सर, किसी के पास हो या नहीं हो वेरिएबल, तो आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है दोनों चीज़ें। हाँ थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, ऐसे ना थोड़ा सा भाई पानी डालेगा वो चिपक रही है ना। नहीं पानी यूज़ नहीं करना है इसमें, नहीं नहीं मिलावट नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी, प्योर बनाना है देसी देसी। इसमें ले लेंगे हम दही, दही आधा किलो में आप अपने हिसाब से दही डालना चाहें डाल सकते हैं, कि आप लिक्विड थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो इस वजह से जितना पेस्ट बनाना हो उतना डाल सकते हैं। हाँ
मैं आप डाल सकते हैं। अभी तो पेस्ट बनाना है, मैं पेस्ट बनाना है डाल दें आप सारी अदरक। ओए होए 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 खुशबू भाई सही है। अब अदरक के साथ आप डालें ऐसे टी स्पून डालेंगे खाली दो, थोड़े थोड़े सी दो डालेंगे खाली बस, जिसको ज़्यादा चिल्ली हाँ, पसंद हो वो ज़्यादा मतलब स्पाइसी खाते हो वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक घर पे जाएगा रखेंगे, सारी चीज़ डालने के बाद और ये हरी मिर्च आप देख सकते हैं ऐसी हो गई है, इसको और मेल्ट करेंगे ठीक है जी। आपने स्टीम ही रखना है इसको ना, ये सिर्फ शो के लिए हरी मिर्च है। अच्छा ऊपर से डालेगा बाकी जीरा और काली मिर्चों को मैं बता चुका हूँ, दही आप डाल चुके हैं, नमक और काली मिर्ची डाल चुके हैं बस, फिर लास्ट में ये डालेगा इसका पाउडर। ये देखो आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात आइटम है पर एक डिश तैयार। आपको ये एक्स्ट्रा ये सिर्फ शो के लिए आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें नहीं, और धनिया भी दही भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डाल अगर नहीं डालना तो बेसिकली मतलब कितना होगा आइटम कितना होगा। आप जैसे नमक की ज़रूरत है और ये लाल मिर्चों की और ये काली मिर्च है, जीरा और मेन चीज़ टमाटर, और जिसकी चीज़ बन रही है वो उसको तो भूल ही गया, चिकन के लिए वो तो लाजमी है ना कि टमाटर खाओगे वो लाजमी आएगा बस। बाकी ये मसाले इतने से चार आपकी चार से पांच चीज़ आपकी यूज़ होंगी, अदरक भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं पर टेस्ट उसी से आएगा, जो मैंने चीज़ आपको बताई है टेस्ट इसी में आएगा, आपने यही करना है सेम टू सेम, और आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कि कैसी बनी चीज़। कंडीशन आ चुकी है हो गई नहीं, ये 5 मिनट और लगेंगे बस बस फिर तकरीबन तैयार है, तो वापसी तक देंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा वाटर इसमें ऐड किया है वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी तो वो चिपक रही थी ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था फ्रूट पेस्ट वगैरह में, तो इसमें थोड़ा मैंने वाटर ऐड किया है। आप इसको हाफ गिलास वाटर ऐड कर सकते हैं ना, ये थोड़ा हम वापसी वाटर ऐड करने के बाद इसको स्टीम लगाएंगे। थोड़ा वाटर इसका ड्राई हो चुका है ठीक है, और इसका ग्राम ऐड करेंगे जो हमने जीरा और काली मिर्च का पाउडर बनाया है वो आपने लेने हैं 2 स्पून ठीक है। ये कंडीशन हो गई है भाई, ये थोड़ी और ड्राई हो जाए, इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया था मतलब जीरे के साथ जो हमने पीसने के बाद में कलर चेंज हो गया इसका, तो हाँ भाई थोड़ी और ड्राई हो जाए बीच में चेंज कर लिया ना, देखो स्टार्ट में कैसी थी अब एंड में कैसी हो गई, ब्लैक आया ना इसके अंदर, लेकिन पता है क्यों यूज़ किया था, देखो ये आ गए ना इस वजह से यूज़ कर दें क्योंकि बड़े खराब में हो, पर ये आ गए निशान, ये आए ये आए ये आए, जिसको पकाने नहीं आता ना उसको साथ होता है ये, उसकी सबके साथ होता है लाजमी बात है, इसको पकाने की क्या जरूरत। अच्छा सबके साथ होता है, सबके साथ होता है सही है अच्छी बात, तुम बेचलर बॉय हो तुम्हें पता है नहीं इन चीज़ों का। अच्छा हम ऑलराउंडर हैं। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का तजर्बा है। अच्छा ऑलराउंडर उनको कहा जाता है जो जेब से पैसे नहीं निकालते हो, काम खुद करेंगे सीधा करें उल्टा करें, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल इंसान ही वही होता है जो अपने पैसे खर्च ना करे। अच्छा भाई साहब सिखाओगे हमें कुछ? हाँ हमें कुछ सिखाओगे? हाँ सीखो, ये बनाया ना देखो कितनी तरीके से बनाया हमने, सीखो ना जैसे बनाया हमने कैसे बनाया, सूट खराब कर लीजिए अपना जब टेस्ट तो करा उसका टेस्ट है नहीं, क्यों याद क्यों मांग रहे हो जुमरा पे टेस्ट करते हैं, याद कितना निकालेंगे करके ऐसी नहीं है।
अच्छा अजान हो रही है, मिलते हैं फिर अजान के बाद। ये हो गए तैयार, ठीक है जी, फुल एंड फाइनल। हाँ अच्छा एक एक बात बताऊँ, ये साइडों में ये देख रहे हो ना आप, ये मसाला लग जाता है तो आपने इसको साफ कर लेना है, इसे यही टेस्ट आएगा वरना नहीं आएगा। ये कौन सी बात करती भाई, कहीं बोलोगे टेस्ट ही नहीं आया, फाइक भाई हमने ट्राई की थी इसे नहीं, ये साइडों में लग जाए सारा, इसको आपको साफ करना है ऐसे ऐसे जैसे ये मैं कर रहा हूँ जैसे। हाँ खुर्शन निकाल लो भाई तुमको। ये ना सारा साफ कर रहा है, ये मसाला लग गया सारा, काला काला हो रहा है तो। हाँ काला नहीं हो रहा, ये मसाला लग गया सारा, ये ड्राई हो रही है ना, देख रहे हो ना। अरे भाई चखना इसको, नमक वगैरह सही है, मिर्ची वगैरह ये इतना गरम गरम ना मुझसे नहीं होता है टेस्ट। क्यों तो कुकिंग का पाया था भाई, कुकिंग करते तो बंदा चखता है। नहीं आपको किस लिए रखा हुआ है? तो मैं दिखाऊं, ये चेक करो, नमक थोड़ा कम है। नमक कम है? हाँ थोड़ा सा, इतना ज़्यादा सही है? सही, थोड़ा ढोल बजा लो। फाइक भाई कुकिंग कर रहे हैं, पता तो चले किसी को। अच्छा बोल मुझे तो जुमरात है, और घर का तो खुद कर रही है। अच्छा नमक जो है ना आपने हसबे राय का ही रखना होता है कि कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, और मिर्चों का भी यही है कि आप अपनी मर्जी से मिर्ची डालें, अंदर रेड वाली और ब्लैक, ब्लैक मिर्ची जो मैंने आपको बताई है, काली मिर्ची जो ब्लैक पेपर कहा जाता है वो, और जीरा आपने अपने हिसाब से, मतलब उसमें नहीं नहीं वो सिर्फ एक चमचा डलता है खाली, एक चमचा डलेगा, पर अगर आपकी 1 kg हो चिकन तो आप उसमें ज़्यादा रखेंगे, उसमें डबल कर लो, उसमें डबल कर लेंगे आप। ये मैंने छोटी सी ट्राई करके बताई है आपको, याद जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई बोल दी। हाँ एक चीज़ एक चीज़ पता है क्या ऐड करनी है, अब जैसे ये तो हो गई तैयार, ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना ऐसे मूव करते रहना, ये थोड़ी लगेगी नहीं, मतलब ड्राई नहीं होगी और चिपकेगी नहीं ना, तो इसमें आपने एक करना है, एक कोयला जो होता है ना वो आपने नीचे रखना है, एंड जब हो रहा वो आपका पूरा जल जाएगा अच्छी तरीके से, फिर आपको ये तैयार हो जाए ना वो कोयला निकाल कर आपको चूल्हा बंद करना है, गैस वाला कोयला रख के ढक देना है, जब उसका स्मोक अंदर पूरा हो जाएगा ना तो आपको हर, मतलब हर बाइट के अंदर आपको कोयले की खुशबू जो आएगी आपको, अक्सर जैसे टिक्के वगैरह में आप जैसे उसका तो टेस्ट ही अलग होता है ना फिर। हाँ तो आप उसकी, अच्छा हमारे पास अभी कोयला था नहीं, वैसे से लगाया लगा नहीं, हमने लगाया नहीं है क्योंकि था नहीं हमारे पास, वरना लगाते हैं हम लोग ना उसमें, जब भी मैं इसको बनाता हूँ तो लाजमी होता है भाई। ये रेडी हो गई है, ख़त्म हो गए एक तरीके से, मतलब रखे होते थे मेरे पास, ये रेडी हो चुकी है, मैं तेज़ में रोटी ले आता हूँ। अब आप रोटी ले कर आओ, अब तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरी नज़र में। नहीं सही है, ये तेल देख रहे हैं ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं ऑयल से थोड़ा अवॉइड करता हूँ, आप कर दो मैं थोड़ी करता हूँ ना। ऑयल से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, तो आपने ऑयल थोड़ा कम लेना है, ठीक है, वो आपको लगेगा स्टार्ट में कि ऑयल मैंने कम डाला है और ये ख़राब हो जाएगी चिकन, ऐसा नहीं है, ऑयल आपका भरपूर है, मैंने इसमें डाले थे इसमें 2 स्पून, ये वाले आप साइज़ देखें, ये इतना सा साइज़ है, ये 2 स्पून डाले थे आधा किलो चिकन में, और मैं आपको ये स्टार्ट में बता रहा था ना कि आपकी चिकन की जो बोटी होती है ना वो ऐसे खुल जाती है ना, मतलब वो ऐसे होती है, देखें ये खुल गए इसका पीस यहाँ से, वाला देख लो ये इसको उनकी लाइन ये ऐसे खुल जाती है, ये तैयार हो चुकी है हमारी चिकन, ये आपने ऐसे करके ऐसे टक 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 ऐसे डाल देना है अपना अरलिया पुदीना, और ये आपके नीचे से सर्फ लगाएं और ये तैयार हो गई आपकी। अब आप किसी को भी पेश कर सकते हैं, और टेस्ट करके मुझे बताइएगा कि आप भाई एक कमी है इसमें कोयले वाली, वो आप ऐड कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा इसका रिव्यू कैसी बनी, और माशाल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस अभी रोटी लेने गए मैं, वो आ जाए, रोटी का वेट हो रहा है, मैंने मंगवाई एक्चुअली बच्चे से, तो वो आ जाए तो फिर हम ट्राई करेंगे, देख रहे हो खुशबू से, मैनाएँ वगैरह कबूतर तोते सबकी आवाज़ें आ रही हैं, आप सुन रहे हो बैकग्राउंड पर साउंड कि खुशबू वहाँ तक जा रही है छत तक, तो वहाँ से साउंड आ रहा है कि फाइव बाई ना चिकन बनाइए आधे हम खाने, भाई इसको टेस्ट करेंगे हम खाएंगे, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि खाते वक्त, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी ट्राई करें।